Audio Jungle. हाय दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल HD कैंपस आगरा में। मैं आज आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना। तो मैं आपको सबसे पहले आज रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा हम जानते हैं, देखते हैं। देखो, इस टॉपिक में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ट्रायंगल पढ़ेंगे, एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें ट्रायंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, रेक्टेंगल मतलब आयत पढ़ेंगे, सर्किल मतलब वृत्त पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएँ पढ़ेंगे, डायगनल्स विकर्ण पढ़ेंगे, घन एंड घनाभ क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को इस टॉपिक में पढ़ेंगे और एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ट्रायंगल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल से आते हैं, फिर स्क्वायर से आते हैं और आयत से आते हैं। इन तीन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पढ़ेंगे इनको भी, लेकिन इनको थोड़ा देखेंगे, बस एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन इन तीन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन तीन में भी सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो त्रिभुज ट्रायंगल पूछा जाता है। तो ट्रायंगल को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी के करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं ट्रायंगल के क्वेश्चनों पर, ट्रायंगल्स पर चलते हैं। देखो ट्रायंगल्स किसे कहते हैं, ज्यादातर सभी लोग जानते होंगे, तीन भुजाओं से घिरी कोई भी समतल आकृति जिसे हम ट्रायंगल्स त्रिभुज कहते हैं। कोई भी तीन भुजाएं जिससे घिरी हुई समतल आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स के क्वेश्चनों को। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो इस प्रकार का ट्रायंगल होता है, ये वाला सभी लोग जानते ही हैं, इस प्रकार का होता है। इसमें हमें काउंट करना होता है कितने ट्रायंगल होंगे। तो इस प्रकार की कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दे रखा होगा, उसमें आपको काउंट करने होंगे कि कितने ट्रायंगल हैं। तो इस प्रकार का होता है, ये वाला ट्रायंगल है। तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब इस वाली आकृति में हमें बताना है कि इस वाली आकृति में ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। तो देखो, अब इसको तो हम बहुत छोटा फिगर है, आसानी से काउंट कर सकते हैं कि एक ये हो गया ट्रायंगल और एक ये हो गया, दो हो गए और एक बड़ा वाला हो गया, तीन हो गए, ठीक है, ऐसे काउंट कर सकते हैं, बहुत छोटा है। लेकिन इसको हम अपनी जो ट्रिक से करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो एक दो ऐसे नंबरिंग करो, एक और दो को जोड़ दो तो कितना आ गया, तीन आ गया, कितना आ गया, तीन आ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं इस वाले को। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, तो वही काम करना है। सबसे पहले इस वाले शीर्ष से इस वाले इसे आधार मान के नंबरिंग करनी होती है, एक दो तीन, इनको हम ऐड कर देते हैं। इन नंबरों को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं और फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या निकल के आ जाती है, तीन और दो पाँच और एक छः। इस वाले फिगर में जो ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, छः होगी। तो क्या करना होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दे रखा है, इसे शीर्ष मान के, इसे आधार मान के, इस आधार पर हम सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, तो उस फिगर में ट्रायंगल की संख्या निकल के आ जाती है। थोड़ा सा आगे चल,
इस फिगर में आपको बतानी है टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इस वाले फिगर में बतानी है। तो वही काम होता है, इसे हम शीर्ष मानते हैं, इसे आधार मानते हैं और इस आधार पर हम नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये नंबरिंग की, इसको हम ऐड कर देते हैं तो टोटल ट्रायंगल की संख्या निकल के आ जाती है। तो कितने हो गए, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो इस वाले फिगर में जो ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। तो ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, अब ऐसे एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बेस से ही चलेंगे, बेस से चीज़ों को करते हुए आगे तक चलेंगे। देखो मैं और भी एक और देखते हैं क्वेश्चन। इस फिगर में आपको टोटल ट्रायंगल की संख्या बतानी है, इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इसमें आप जल्दी से काउंट करेंगे टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी। देखो अपना वही काम होता है, इसे शीर्ष मान के और इसको आधार मान के हम इस पर सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसको हम ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक हमारी ट्रिक होती है जो आपने पढ़ा होगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए जो है, प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए एक ट्रिक होती है n और n+1/2, ये वाली ट्रिक होती है, सभी लोग जानते ही हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, एन ये जो है, एन मानते हैं जो नंबर होता है लास्ट वाला, तो क्या करेंगे, एन का वो लिखेंगे इससे नेक्स्ट वाला नंबर, मतलब 8 और 1 9/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 9 चौक 36, ऐसे करके इसमें जो 8 तक हैं इनका योग 36। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 36। लेकिन आपको क्वेश्चन में इतना नहीं करना है कि ऐसे करके आप पूरा करें, हमारे पास एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, हमें जल्दी से आंसर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबरिंग की और सब नंबर देखेंगे, लास्ट वाला कितना है, 8, 8 के जो आगे वाला नंबर है 9, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 72, और उसका आधा कर देंगे, कितना हो गया, 36। जल्दी से आंसर कर देंगे हम 36, ठीक है। तो टाइम नहीं लगाना, बस ऐसे देखना है, देखते ही आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72, और 72 का आधा कर देंगे, 36 हमारा आंसर आ गया, ऐसे करके बहुत जल्दी से करेंगे। चल ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा। ऐसे करके आपको 20 तक लाइन दे रखी है, 20 तक ऐसे करके आपको दे रखा है, और आपको काउंट करना है इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे। तो हमें वही काम करना है टोटल ट्रायंगल के लिए जो मैंने आपको बताया है, ये बेस है और इस पे इसने ऐसे करके जो नंबरिंग है वो कितने तक दे रखे हैं, ऐसे करके उसने डॉट डॉट 20 तक दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था जो नंबर है वो लिखेंगे, उसके आगे वाले नंबर में जैसे ये वाला नंबर 20 है, मैं ऐड कर देंगे या आगे वाला नंबर लिख देंगे, 20 का आगे वाला नंबर कितना है, 21, और उसका क्या कर देते हैं, आधा। तो ऐसे आधा करेंगे तो ये कितना हो गया, 10, 2, 21 गुणा 10 कितने आ गया, 210। तो इस वाले जो फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, 210 होगी, ठीक है। चाहे कितना बड़ा भी क्वेश्चन हमें दे दे, हमें उससे डरना नहीं है, देखते ही उसका आंसर कर देना है। जो नंबर है ऐसे नंबरिंग कर देंगे आधार पे, और उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा आगे वाली देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखो, अगर आप आइए, ठीक है, इसमें बीच में और एक ऐसे रेखा
तो इस वाले फिगर में हमें काउंट करने हो कि हमारे ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, तो वो हम कैसे करेंगे? देखो वही काम करेंगे, अगर मैं इसको नीचे वाले को ऐसे छिपा लूँ तो अभी जो हम पहले टाइप का जो कर रहे थे, पहला क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही बन गया। तो देखो क्या करेंगे, एक बार तो इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर हम काउंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे, एक दो, दो और एक कितने हो गए, तीन। तो इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर कितने ट्रायंगल की संख्या हो गई, तीन हो गई। अब इसे शीर्ष मान के और इसे आधार मान के इस पे नंबरिंग करेंगे, एक और दो, दो और एक कितने हो गए, तीन हो गए। तो तीन तो इस आधार पे हो गए और तीन इस आधार पे हो गए, तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, तीन प्लस तीन कितने हो गए, छः। तो इस वाले फिगर में ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, छः होगी। कितनी होगी, छः होगी। ऐसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन। इस वाले फिगर में बताना है टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताएं। सेम ऐसा ही है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, करने की कोशिश करें। सेम ऐसा ही है, करें आप कोशिश करें, फिर अपना अपना आंसर मैच करेंगे। जल्दी से करें, देखो मैं बताता हूँ इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, अपना आंसर मैच करें। तो मैंने वही बताया है, सबसे पहले तो इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन। तो तीन और दो पाँच और एक कितने हो गए, छः। अब इसे शीर्ष मान के इसे आधार मान के इस पर नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन, तीन और दो पाँच और एक छः। अब इसे शीर्ष मान के इसे आधार मान के इस पर नंबरिंग करेंगे तो कितने हो गए, तीन और दो पाँच और एक छः। ठीक है, तो कितने हो गए, ये छः इस आधार पे, छः इस आधार पे और छः इस आधार पे, कितने हो गए, छः तिया 18। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, 18 निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे और देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। इस वाले फिगर में बताएं ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, सभी कोशिश करें, करके देखें सभी, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करके देखें, अपना अपना आंसर मैच करेंगे। जल्दी से करें, इस वाले फिगर में आपको ट्रायंगल की संख्या बतानी है, सेम ऐसा ही है जो अभी किया था, सेम ऐसा ही है, करने की कोशिश करें लोग, करने की कोशिश करें। देखो सभी अपना आंसर मैच करेंगे, इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन चार, कितना हो गया, चार के आगे वाला नंबर पाँच, पाँच चौक 20 और का आधा 10। तो इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर कितने ट्रायंगल हो गए, 10। अब इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर करेंगे तो वो भी 10 ही होंगे, क्योंकि दोनों एक जैसा है। तो कितने हो गए यहाँ पे, 10 हो गए, चार का आगे वाला नंबर पाँच, पाँच वो 5 चौक 20 और 20 का आधा 10। अब इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार, 5 चौक 20 का आधा 10। ऐसे ही यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 10। तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, 40। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। आपको इतना टाइम नहीं लगाना पूरा करने के लिए, आपको तो एक बार देखना है कि बराबर जब रेखाएं दे रखी हैं तो यहाँ पे 10 हैं, आधार कितने, चार दे रखे हैं, 10 का 4 गुना कितना हो गया, 40। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 40। इतना पूरा नहीं करना है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे और देखेंगे। थोड़ा सा आगे और चलेंगे, देखते हैं। इस वाले फिगर में बताएं टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, सेम ऐसा ही है पीछे जो किया है, करने की कोशिश करें, ऐसा ही है, फिर मैं आपको बताऊंगा, पीछे जो किया है वैसा ही है। देखो क्या करते हैं हम, कि इस वाले शीर्ष को इसे आधार मान के सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, अब छः आ गया, छः के आगे वाला नंबर क्या है, 7, 7 6 42 और 42 का आधा कितना हो गया, 21।
इस वाले सीट से इस वाले आधार पे भी 21 है। अब देखो ये भी सेम है ऐसा ही, तो यहाँ पे भी 21 होंगे, ये भी सेम है तो यहाँ पे भी 21 होंगे, और ये भी सेम है तो यहाँ पे भी 21 होंगे। बार बार हमें ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो 21 और आधार कितने, चार, तो कितने हो गए, 21 चौका 84। तो इस वाले फिगर में ट्रायंगल की संख्या निकलेगी कितनी आ गई, 84 आ गई। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जब हमें दिख रहा है ये भी आधार सेम है तो ये कितने आधार हैं, चार आधार हैं, एक पे 21 हैं तो चार पे कितने हो जाएंगे, 84 हमारा आंसर आ गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से कर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं, थोड़ा सा आगे इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इस वाले फिगर में आपको बताना है ट्रायंगल की संख्या क्या होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो आधार दे रखा था पूरे उसमें दे रखा था, इसमें क्या है? छोड़ दिया है, तो इसमें अलग अलग है। तो इसमें आपको बताना है ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, सेम वैसा ही है, करने की कोशिश करें। देखो मैं बताऊँ, एक बार तो अब इसे शीर्ष मान के और इसे आधार मान के इस पर नंबरिंग करेंगे, 1 2, जब यहाँ तक दे रखा है तो वहीं तक नंबरिंग करेंगे। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर 3 ट्रायंगल हो गए। अब इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर काउंट करेंगे, 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 और 2 5 1 6। इस शीर्ष से इस वाले आधार पर कितने ट्रायंगल हो गए, 6 ट्रायंगल हो गए। अब इस शीर्ष से इस वाले आधार पर काउंट करने, 1 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ से यहाँ पे काउंट करने, 1 2, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए। अब इस वाले सिर से इस वाले आधार पे काउंट करने, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 5 के आगे वाला नंबर 6, 6 5 30 का आधा 15, ऐसे कर देंगे। अब यहाँ 15 है तो ये पूरे पे दे रखा है, तो यहाँ पे भी 15 होंगे, करके देख लें एक बार। और 5 5 का आगे वाला नंबर 6, 6 5 30 का आधा 15, तो यहाँ पे भी 15। अब सबको काउंट कर देंगे, 15 प्लस 15 प्लस 3, ये वाला 3 3 प्लस 6, इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 15 15 30 30, और आपका 39 हो गया, 9 ये हो गई, 40 और 5 45। तो इस वाले फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी आ गई, 45 45 आ गई। तो करना कुछ नहीं होता है, जहाँ तक रेखा दे रखी है उसे आधार मान के उस पर नंबरिंग करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, फिर पूरे नंबरों को ऐड कर देते हैं, टोटल ट्रायंगल की संख्या निकल के आ जाती है। एक और इसी टाइप का देखते हैं, आपको इस वाले फिगर में बताना है ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, ऐसे जो पीछे किया है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इस वाले सीट से इस वाले आधार पर काउंट करेंगे, 1 2, तो कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, इस वाले सीट से इस वाले आधार पर 6 ट्रायंगल हो गए। अब इस वाले सीट से इसे आधार पर काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 हो गए यहाँ पे। अब इस सीट से इस वाले आधार पर करेंगे तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। इस वाले सीट से इस वाले आधार पर करेंगे, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। और यहाँ पे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 5 का आगे वाला नंबर 6, 6 5 30 का आधा 15, तो इस वाले आधार पर 15 हो गए। सबको काउंट कर देते हैं, 15 प्लस 3 6 3 3 प्लस 6, इसको काउंट कर देंगे कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 3 ये 6 हो गए आपके, 6 6 12 6 18 19 20 21 21 प्लस 15 कितने हो गए आपके, 6 36 हो गए। तो इस वाले फिगर में आपकी टोटल ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, 36 36 होगी, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेंगे आप जो है, उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़े इससे अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
देखो, अगर आपको ऐसे करके कोई दे रखा है फिगर, आपको ऐसे करके दे रखा है, क्रॉस जैसा बना हुआ है उसमें, ऐसे करके दे रखा है क्रॉस जैसा बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसमें नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करनी है। देखो इसको पहले मैं आपको बेस से ही बता देता हूँ, बेस से कैसे करना है, इसमें ट्रायंगल काउंट करने बेस से। देखो एक तो ट्रायंगल आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, एक हो गया, एक ऐसे करके ये 2 हो गए, एक ये वाला 3 हो गए, एक ये वाला 4 हो गए, ठीक है, और एक ऐसे करके 5 हो गए, एक ऐसे करके 6 हो गए, एक ये वाला 7 हो गए, एक ये वाला 8 हो गए, 8 हो गए। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ये तो बहुत छोटी आकृति है, तो इसलिए हमने काउंट कर ली। बड़ी बड़ी आकृति में इतना टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग जो लास्ट वाला नंबर आएगा, जैसे लास्ट वाला नंबर 4 आया, तो 4 का हमें 2 गुना कर देना, 4 का 2 गुना 8। तो हमने ऐसे काउंट किए थे तब भी 8 आया था, और हमारी स्ट्रिक से भी कितना आंसर आया है, 8 आया है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग लास्ट वाला जो नंबर आएगा उसका 2 गुना कर देना, और आंसर हमारा आ जाएगा। और आगे देखते हैं, वाले फिगर में बताओ टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इस फिगर में बताएं। तो वही काम करना है हमें, ट्रायंगल निकालने के लिए पहले हमें नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट का नंबर कितना है, 6, और 6 का मैंने बताया है 2 गुना करना है, लास्ट वाले नंबर का 2 गुना करना है, तो 6 का 2 गुना कितना हुआ, 12। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या वो कितनी होगी, 12, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इस वाले फिगर में हमें काउंट करने कितने ट्रायंगल होंगे इस वाले फिगर में। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग की। अब मैंने बताया था लास्ट वाला नंबर होता है उसका हम 2 गुना कर देते हैं, 8 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 16। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, 16, ठीक है। ऐसे कितना बड़ा भी आ जाए और आपको क्रॉस जैसा दिखाई दे तो उसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, और लास्ट वाला जो नंबर होता है उसका 2 गुना कर देते हैं, आंसर आ जाता है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस वाले फिगर में बताना है, देखो ऐसा ही फिगर है, उसमें उसने 2 फिगर ऐड कर दिए हैं, तो इस वाले फिगर में बताना है टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी। ये वाला जो पीछे वाला क्वेश्चन है ये एसएससी 2014 में भी आया था, ठीक है, तो वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हैं। तो आपको इस वाले फिगर में बतानी है टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इसमें क्या किया है उसने, जो फिगर था ऐसे करके 2 फिगर ऐड कर दिया, वैसे तो एग्जाम में आएंगे नहीं, ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, तो ऐसा वाला आ भी सकता है आपका। तो इसमें आपको बताना ट्रायंगल की संख्या क्या होगी। तो देखो हम सबसे पहले इधर वाले को देखते हैं, तो हमने ऐसे ऊपर वाला किया था वैसा ही है, नंबरिंग करते हैं, 4 किया, लास्ट वाला नंबर क्या है, 4, 4 का 2 गुना किया कितना हो गया, 8। तो इस वाले फिगर में हमें पता लग गया 8 ट्रायंगल हैं, तो ऐसा ही ये वाला फिगर है, तो 8 का 2 गुना किया तो कितना हो गया, 16। तो इसमें इसमें 16 हो गए, में कुछ ट्रेंगल ऐसे भी होंगे कि इन 2 के मिलने से बने होंगे, तो उनका हमें विशेष ध्यान रखना है जो इन 2 आकृतियों के मिलने से बनेंगे। तो वो कौन से ट्रेंगल होंगे जो इन 2 के मिलने से बने होंगे, तो देखो ये वाले होंगे, ये ऐसे करके ऐसे, ये वाला जो है एक तो ये ट्रेंगल होगा और एक आपका ये वाला ट्रेंगल होगा ऐसे करके। तो ये जो 2 ट्रायंगल हैं इन दोनों आकृति के मिलने से बने होंगे, तो इन 2 को और ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ गया, 18। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी निकल के आ गई, 18। समझ में आया सभी को, तो हमें ध्यान रखना है कि देखो इसमें 4 का 2 या 8
वाले में आठ हैं तो इस वाले में भी आठ होंगे, तो दोनों में कितने हो गए 16। तो कुछ ट्रेंगल ऐसे होंगे जो इन दो के मिलने से बने होंगे, जो एक्स्ट्रा ट्रेंगल होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो इन दो के मिलाने से कितने ट्रेंगल बन रहे हैं, दो ट्रेंगल बन रहे हैं, दो और ऐड कर दिए तो 18 हो गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रेंगल की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। और थोड़ा आगे चलते हैं, आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। आपको इस वाले फिगर में बताना है ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इस वाले फिगर में बताएं जल्दी से, जल्दी कोशिश करें। जो पीछे वाला क्वेश्चन है सेम वैसा ही है, करने की कोशिश करें। देखो मैं बताता हूँ, अपना अपना आंसर मैच करना, वही काम करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले नंबरिंग करनी है, यहाँ पे नंबरिंग की कितना आया, लास्ट वाला अंक 4 आया, तो मैंने बताया था उसका दोगुना करना होता है, कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमें पता है कि इस वाले फिगर में कितने ट्रेंगल हैं, 8 हैं, सेम ये भी ऐसा ही है और सेम ये भी ऐसा है। तो ऐसे कितने फिगर हैं, 1, 2, 3, 1 में 8 हैं तो 3 में कितने हो गए, 8 या 24 हो गए। लेकिन कुछ ट्रेंगल ऐसे भी होंगे जो इन दो के मिलने से बने होंगे, कुछ ट्रेंगल ऐसे होंगे कि इन दो के मिलने से बने होंगे, उनको और देख लेते हैं, वो ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दो के मिलने से मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, एक तो ये वाला बनेगा ऐसे करके एक, और एक ऐसे करके बनेगा, इन दो के मिलने से दो ट्रेंगल मिलेंगे, तो दो तो ये लिख दिया। अब इन दो के मिलने से देखो, एक तो ये वाला बनेगा आपका, और एक ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो इसके मिलने से भी दो बनेंगे, तो कितना हो गया, 24 और 2 26 और 2 28। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रेंगल की संख्या होगी, वो कितनी निकल के आ गई हमारी, 28। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रेंगल की संख्या 28 होगी। तो ध्यान रहे इस वाले क्वेश्चन में जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो ये वाले एक्स्ट्रा ट्रेंगल हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इनको ध्यान रखना है कि इन दो के मिलने से कितने ट्रेंगल बन रहे हैं, इन दो के मिलने से कितने बन रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा ट्रेंगल हैं उनको नहीं भूलना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इससे थोड़े नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं। देखो 17वां क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले फिगर में आपको बताना है ट्रेंगल की संख्या क्या होगी, जो पीछे किया है सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो इसमें आपको बताना है ट्रेंगल की संख्या क्या होगी। देखो वही काम करते हैं अपना जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 नंबरिंग की, 4 का दोगुना कर देते हैं तो 8 हो गया। तो देखो हमारे इस वाले में कितने ट्रेंगल हो गए, 8, तो ऐसे हमें कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1 में 8 हैं तो 4 में कितने हो गए, 32, ठीक है 32 हो गए। अब हमें देखना है कि इन दो के मिलने से कितने फिगर बने, जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, इन दो के मिलने से दो बन रहे हैं ट्रेंगल। अब इन दो के मिलने से भी दो बन रहे थे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दो इन दो के मिलने से बन गए। अब देखना है कि इन दो के मिलने से कितने ट्रेंगल बन रहे हैं, तो देखो एक तो ये वाला बन रहा है हमारा ट्रेंगल, ऐसे करके एक ये बन गया और एक ये बन गया, ऐसे करके दो बन गए। और देखें, और दिखाई दे रहा है आपको कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, देखो मुझे दिखाई दे रहा है एक ये वाला ट्रेंगल बन रहा है हमारा, ऐसे करके देखो ये वाला और बन रहा है एक, इसको भी कर देंगे हम। तो अब इसको काउंट कर दो, 32 और 2 34, 2 36 और 2 38 और 1 39, 39। तो इस वाले फिगर में ट्रेंगल की संख्या कितनी होगी, 39। इसमें कितने ट्रेंगल होंगे, 39 ट्रेंगल होंगे। तो ध्यान रहे कि जो मैंने रेड से बनाया है इसको हम भूल जाते हैं, इसको नहीं भूलना है, इसको याद रखना है, ये भी बनता है। तो हमें
अपनी आंखों से जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रेंगल हैं ये वाले, इनका विशेष ध्यान रखना, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक को भी हम भूल गए तो। ठीक है, अब इससे थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। इस वाले फिगर में आपको बताना है टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इसमें बताएं आप। इस फिगर में बताएं ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, जो पीछे किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, बताएं जल्दी से। देखो वही काम करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया। सबसे पहले हम अपनी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कर तीस। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल और काउंट करने के, एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने हैं इसमें, तो देखो जो पीछे वाले क्वेश्चन दो तो इसके मिलने से बने थे, एक ये और एक ये वाला, ठीक है, दो मिलने से बने थे और दो ऐसे करके बने थे, एक ये ऐसे करके दो बने थे। अब इन दो के मिलने कितने बन गए, तो देखो एक तो एक ऐसे कर, ठीक है, और एक ऐसे करके बन गया ये, और कहां से बने, देखो एक आपको दिखाई दे रहा हो, पेन कहां है, एक आपका ये वाला बन गया, देखो ऐसे करके बनेगा ये वाला जो है, ऐसे करके एक बन गया, और दिखाई दे रहे हैं आपको कौन से ट्रायंगल बनेंगे, और भी बनेंगे, और भी कौन से ट्रायंगल बनेंगे आप देखें जल्दी से। और एक ये ऐसे करके ये वाला बन जाएगा, यहां से ये वाला ऐसे बन जाएगा, ये बन गए एक और एक, इसको काउंट करो, 32 और 2 34, 2 36, 2 38, 1 39, 1 40 और 1, टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, 41, 41 हो गई। तो ध्यान रहे हम इन वाले इस वाले आकृति को भूलना नहीं है, हम इसमें इसे भूल जाते हैं, इसको नहीं भूलना है, मन की आंखों से देखना है कि जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है हम इस एक्स्ट्रा ट्रायंगल को नहीं भूलना है, अगर इसमें एक को भी मिस कर गए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखना है आपको सभी को देखना है, कहीं से भी कोई भी ट्रायंगल नहीं बचना चाहिए। तो कितने आंसर हो गया इसका, 41, 41 आंसर हो गया। इससे थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी के अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले फिगर में आपको बताना है ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, इस वाले फिगर में आप जल्दी से बताएं ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, करें कोशिश करें करने की, 10 सेकंड है आपके पास, कोशिश करें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी इस वाले क्वेश्चन में, आप जल्दी से बताएं। देखो वही काम करना होता है, कुछ नहीं, थोड़ा हमें दिखाई के पता नहीं कितनी होगी, देखो करने की कोशिश करें, इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर नंबरिंग करें, 1 2 3 4, ठीक है, चार का आगे वाला नंबर, 5 5 6 20, उसका आधा 10, तो इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर ट्रायंगल कितने हो गए, 10। अब इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर काउंट करेंगे तो 1 2 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो 10 वो 3 ये, और बताएं कोई, देखो एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है आपका, रेड पेन से देखें, एक ट्रायंगल आपका ये ऐसे करके बन रहा है जो हमने काउंट नहीं किया, ये वाला जो है ऐसे करके, और एक ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है ऐसे करके, तो दो ट्रायंगल ये हो गए, दो और इसमें हम ऐड कर देंगे तो 13 और 2 10 और 3, 13 और 2 कितने हो गए, 15। तो इस वाले फिगर में ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, 15 निकल के आ गई, ठीक है, तो समझ आया होगा। इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे काउंट कर लिए,
इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पे काउंट कर लिए, और इन दो के मिलने से ये दो ट्रायंगल बन गए, ये और हमने ऐड कर दिए, तो हमारे टोटल ट्रायंगल की संख्या निकल के आ गई। तो आगे वाले क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। साथ साथ फिगर बनाते चलें, तभी बना पाएंगे। इस फिगर में आपको काउंट करना है ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। इस वाले फिगर में आप काउंट करें, देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें ये वाला शीर्ष मान के इस वाले आधार पर नंबरिंग करनी है। एक दो दो और एक कितने हो गए, तीन। तो इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। अब इसे शीर्ष मान के इसे आधार पर काउंट करेंगे, एक दो दो और एक कितने हो गए, तीन हो गए। अब इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर काउंट करेंगे तो देखो कितने हो गए, एक दो दो और एक कितने हो गए, तीन हो गए। ठीक है, ये तीन हो गए। अब देखो यहाँ नंबरिंग करेंगे अंदर, देखो एक तो ये वाला हो गया, दो एक तीन एक चार, ये वाले हो गए। तो देखो तीन प्लस तीन, ये वाला तीन, ये और एक ये वाला तीन। ठीक है, तो ये कितने हो गए, तीन तरह का नौ हो गए, नौ प्लस ये एक दो तीन चार, ये हो गए चार, ये हो गए। और देखो एक ये वाला हमने काउंट नहीं किया, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, और एक ये सबसे बड़ा वाला, नौ चार तेरह, एक चौदह, एक पंद्रह है। ठीक है, तो कितनी संख्या निकल के आ गई हमारी, पंद्रह है। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, पंद्रह है। तो इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर काउंट किए, तीन आ गए, यहाँ से इस वाले आधार पर तीन आ गए, यहाँ से इस वाले आधार पर तीन आ गए। तो नौ तो ये हो गए, और देखो अंदर जो बन रहे हैं जो एक दो तीन चार, चार ये वाले बन रहे हैं, और एक ये वाला ट्रायंगल है, और एक की संख्या कितनी आ गई इस वाले क्वेश्चन में, पंद्रह। कितनी होगी, पंद्रह। थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसी का है, आपको एक वाला क्वेश्चन करना है। इस बार फिगर में आपको बताना है टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, ऐसे नहीं यहाँ दो बनाए। मैं आपको टोटल ट्रायंगल की संख्या बतानी है, कितने ट्रायंगल होंगे, ये इस वाले फिगर में आपको ट्रायंगल की संख्या बतानी है काउंट करके, कितने ट्रायंगल होंगे। कोशिश करें पीछे जो किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें जल्दी से, कितने ट्रायंगल होंगे। देखो जो हमने पीछे किया था वैसे ही करना है, इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर काउंट करने, तो इस पर नंबरिंग कर देनी है, एक दो तीन, तीन और दो पाँच और एक छः। तो इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, छः होगी। इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर भी नंबरिंग करेंगे तो कितने होगी, तीन और दो पाँच और एक छः, यहाँ पर होगी। अब इसे शीर्ष मान के इस वाले आधार पर नंबरिंग करो, कितनी होगी, तीन और दो पाँच और एक छः, छः होगी। तो छः प्लस छः प्लस छः प्लस, और कौन सा है, एक ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो है, और एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो कितने हो गए, छत्तीस, अठारह, एक उन्नीस और एक बीस। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या निकल के कितनी आ गई, ट्वेंटी, बीस। तो इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या जो होगी वो 20 होगी। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, सभी के समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आगे और देखेंगे। देखो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको जो क्वेश्चन है, स्टार जो होते हैं, देखो ये वाली, एक तो ये होती है और
ये वाली स्टार होती है, ये वाली स्टार होती है, ठीक है। तो देखो हम दो दो स्टार होती हैं, इनको तो शक्तिमान वाली मान लो या इसको कैसे भी मान लो, तो आप याद जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दो प्रकार की स्टार पूछी जाती हैं, तो हमें इसमें काउंट करना है कितने ट्रेंगल होंगे। देखो यहाँ नंबरिंग करो, एक तो ये वाला ट्रेंगल बन रहा है आपका, एक ये बन रहा है, एक ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितने बन रहे हैं, छह ट्रेंगल बन रहे हैं, छह तो ये हैं और एक ये वाला बन रहा है, और आपका एक ऐसे करके बनना है, छह और दो कितने हो गए, आठ हो गए। तो इस वाले फिगर में ट्रेंगल की संख्या कितनी होगी, आठ होगी, ठीक है। तो समय में आ गया, तो ये नंबरिंग करनी है और दो ये वाले ट्रेंगल बन रहे हैं, तो ऐसे करके कितने ट्रेंगल हो गए, आठ ट्रेंगल हो गए। अब इसमें काउंट करेंगे तो देखो, एक तो ये वाला बन गया ऐसे करके, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ये हो गए, और पाँच ऐसे करके, एक ये बन गया, एक ऐसे बन गया, और एक जो आपका ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे करके बन जाएगा, तो ऐसे करके पांच और बनेंगे, तो पांच और पांच कितने हो गए, दस। तो आपको याद रखना है इन दोनों की कोई भी ट्रिक नहीं होती है, इस प्रकार की आपको स्टार दिखाई दे तो उसमें आठ ट्रायंगल होंगे, और इस प्रकार की स्टार आपको दिखाई दे तो उसमें दस ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो याद रख लेना इन दो क्वेश्चनों को, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इनमें काउंट ही करना पड़ेगा। तो इस वाली स्टार में आठ आएंगे और इस वाली स्टार में कितने आएंगे, दस आएंगे। तो ऐसे करके आज की जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे वाले क्वेश्चनों को, ट्रायंगल बनाए, जो भी प्रॉब्लम आई हो आपको तो कमेंट, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका सॉल्यूशन बताएंगे। धन्यवाद देखने के लिए, ओके, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में।